मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में रहने वाले राम भक्तों का इंतजार अब खत्म हो गया। जी हां, आपको बता दें कि ग्वालियर से अयोध्या जाने के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन का शुभारंभ हो चुका है और इस आस्था स्पेशल ट्रेन को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वर्चुअल रूप से शामिल होकर हरी झंडी दिखाई। सिंधिया के साथ साथ ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर और अन्य नेताओं ने भी ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। लगभग इसमें 1300 यात्री ट्रेवल कर रहे हैं और आपने देखा कैसे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने इसको फ्लैग ऑफ किया है और मैं उन सभी यात्रियों को अयोध्या जाने की और सफल यात्रा की शुभकामनाएं देता हूँ। ग्वालियर रहते हैं, अयोध्या जा रहे हैं, ग्वालियर रहती है, अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मभूमि। इससे बड़ा हमारा सौभाग्य क्या है कि आज 500 वर्ष बाद भगवान राम का मंदिर बना और वहाँ जाने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्पेशल ट्रेन ग्वालियर से अयोध्या के लिए चलाई है। ये हमारे देश और प्रदेश और हमारा बड़ा सौभाग्य कि हमें ये सुविधा हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दी। ये सौभाग्य है कि ग्वालियर से आस्था केंद्र आस्था ट्रेन अयोध्या जा रही है। भगवान राम लला के दर्शन करने का सौभाग्य ग्वालियर की जनता को मिला है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी और ये ट्रेन रेल मंत्री से कहकर के ग्वालियर के लिए आस्था ट्रेन जो श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने उपलब्ध कराई उसके लिए धन्यवाद।